नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं व्लॉगर्स डो। आज जो हमारे साथ गाड़ी है, वन ऑफ द पॉपुलर गाड़ी है, टाटा 407 गोल्ड। ये जो गाड़ी है, ये टाटा ने बहुत ही प्रूवन प्रोडक्ट निकाला था, बहुत साल पहले की बात है, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है इसकी वाली मार्केट में। और सबसे ज़्यादा डिमांड जो इसी की रहती है, अगर किसी को छोटी गाड़ी लेनी होगी चार चक्का सेगमेंट में, तो टाटा 407 जो है बहुत ज़्यादा वेल रिकमेंडेड गाड़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ जो है गाड़ी ने बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। इस वजह से जो है टाटा ने नए मॉडल में गोल्ड सीरीज़ में निकाला है इसको। तो ये जो गाड़ी का GVW है वो है 4.5 टन, ठीक है, और इसमें जो पेलोड आता है वो है 2.9 टन, ऑलमोस्ट 3 टन का जो है पकड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है आपको 100 किलो को जो है आप ऊपर में डाल सकते हैं वजन, ठीक है। और ये जो गाड़ी है, ये कंपनी फिटेड जो है HSD मॉडल में आती थी, इसमें जो ऊपर में लोहा लगाया गया, मतलब ऊपर में कैरियर वगैरह सारा कुछ जो इन्होंने बनाया आफ्टर मार्केट में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी को नोटिस करूँगा वो है इसका लुक जो मॉडर्न ट्रक के जैसा इनहांस किया गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और साथ ही साथ यहाँ पे टाटा की बैजिंग, टाटा का लोगो, क्रोम फिनिश भी दी गई है, और ये वाला है टाटा का टिपिकल वाला हेडलाइट आता है, ठीक है, यही सेम टू सेम हेडलाइट जो सिग्ना में भी आने लग गया। और यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर मिल जाता है, टाटा 407 गोल्ड की बैजिंग, ठीक है, और ये रहा इसका इंजन भी एक्सेस करने के लिए बोनट, और ठीक उसके नीचे जो आपको इंटेक ग्रिल मिलती है हवा के लिए, और नीचे में जो आपको प्लास्टिक का बम्पर मिलता है, और यहाँ पे आपको एक फुटरेस्ट रखने के लिए जगह, और साथ ही साथ थोड़े बहुत जो आपको एयरकॉन वेंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको फॉगलाइट लगाने की हाउसिंग भी मिल जाती है। तो ये जो गाड़ी में इंजन लग के आ रहा है वो है 4SPCR BS6 वाला डीजल इंजन, 2956 cc का जो डीजल इंजन है, मतलब ऑलमोस्ट 3 लीटर का डीजल इंजन आता है, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो कि 100 PS की पावर और साथ ही साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इस गाड़ी में जो क्लच प्लेट आ रहा है वो है 280mm का सिंगल फ्रिक्शन ड्राई वाला क्लच, और साथ ही साथ इसका जो गियर बॉक्स है वो है G400 5 स्पीड मैनुअल सिंक्रोमेज गियर बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्लच बूस्टर भी मिलता है, तो इसके फ्लूइड टॉपअप कराने के लिए ये वाला रिजर्वायर दिया गया, और ये ब्रेक सर्वो को रिजर्वायर को जो टॉपअप कराने के लिए दिया है, और यहाँ पे जो आपको कूलेंट के लिए रिजर्वायर मिलता है, और ये रहा इसका जो है रेडिएटर ग्रिल, बहुत बेड़ा तरीके से प्लेस की गई है, और ठीक उसके नीचे में आपको इंटरकूलर ग्रिल भी मिलती है, और ये रहा इसका फिल्टर प्लेसमेंट। तो ये रहा इस गाड़ी का साइड लुक। साइड लुक में जो है आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी इसके एडवांटेज में, कि इसका जो हल्का सा बोनेट आगे दिया गया है, जनरली जितने भी ट्रक रहते हैं उनका जो बोनेट रहता है बहुत कम रहता है, लेकिन इसका हल्का सा बोनेट सामने होने की वजह से इसमें आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है, जब भी गाड़ी का इंपैक्ट होगा तो बोनेट और इंजन को ही लगेंगे, ड्राइवर को जो है बहुत कम चोट आएंगी, ठीक है। उस हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, सेमी ट्रक वाला जो डिज़ाइन है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। और ये रहा इसका ड्राइवर साइड डोर, और यहाँ पे जो आपको बड़ी वाली विंडो मिल जाती है, बहुत बड़ी विंडो है, और ये जो ओपनेबल भी विंडो है, अगर कभी आपको ये विंडो बंद रख के सिर्फ हवा लेनी होगी तो ये वाली भी विंडो से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, बड़ा वाला वाइट मिरर मिल जाता है, और ये रहा इसका चाबी लगाने का सॉकेट, और यही से जो आप दरवाज़ा को ओपन कर सकते हो। ठीक उसके नीचे में आपको एडब्लू के टैंक मिल रही है, ये रहा इसका DEF वाला टैंक, यूरिया डलता है इसमें, 15 लीटर का यूरिया टैंक है, और ये रहा इसका 60 लीटर का डीजल टैंक। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो पीछे वाला टायर, पीछे में जो टायर आ रहा है वो है अपोलर एंड्यूरेंस का टायर आता है, इसमें जो टायर आ रहा है वो है 750/16 का टायर आता है, 4 टायर गाड़ी है, 6 टायर वाली गाड़ी नहीं है, ट्यूबलेस टायर आता है गाड़ी में, और ये रहा इसका मेटल वाला मडगार्ड, बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, और ये रहा इसका लाइट, पीछे का टेल लाइट, यहाँ पे आपको एक टेल लाइट मिलेगा जो हैलोजन वाला है, और हैलोजन वाला ही रिवर्स लाइट और हैलोजन वाला इंडिकेटर मिलता है, इतना बड़ा जो आपको ये डाला मिलता है कंपनी के थ्रू, ये जो है टाटा की बैजिंग, और ये इन्होंने एक्स्ट्रा का लगाया गया है सेफ्टी के लिए, ठीक है। और ठीक उसके ऊपर में जो है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा के ये लगाए हुए हैं, इन्होंने आफ्टर मार्केट में जो है थोड़ा बहुत जो है आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से चेंजेस किए गए, ठीक है। इस गाड़ी में आपको 5 सेंसर मिलते हैं, गाड़ी के पीछे में आपको 5 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, जिस वजह से जो अगर आप रिवर्स में कुछ दिक्कत आती है या फिर कुछ डिटेक्ट होता है तो वो बता दिया जाएगा। और पीछे में आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग के साथ साथ आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाएंगे, यहीं पे आपको स्टेपनी की प्लेसमेंट मिल जाती है, और यहीं पे आपको एक बैटरी की प्लेसमेंट मिल जाएगी, 12 वोल्ट की एक बैटरी आती है बैटरी कट ऑफ स्विच के साथ। और ये रहा इसका कैबिन, हम जो है कैबिन का अंदर से भी थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। तो अभी मैं आपको ड्राइवर साइड डोर ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से जो इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन होता है, और यहाँ पे आपको पेपर वर्क रखने के लिए जगह, ये जो है इसकी विंडो ऊपर नीचे करने के लिए बटन, और ये दरवाज़ा ओपन करने वाला लाज, 1 लीटर की बोतल आप कैरी कर सकते हो, ABC की प्लेसमेंट, और इसमें जो क्लच बूस्टर वाला क्लच आता है तो सिंपल क्लच है, हल्का क्लच है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा क्लच है, टाटा की तरफ से आने वाला क्लच है, ठीक है। और ये रहा इसका हाइड्रोलिक ब्रेक आता है इसमें गाड़ी में, एयरबैग वाली गाड़ी नहीं है, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर पैडल, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे आपको ब्लोअर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे जो आपको एग्जॉस्ट ब्रेक की बटन भी मिल जाती है, और ये रहा इसका की फोब,
ठीक है। और ये रही इसकी सीट, आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे जो है वो भी हो सकती है, और साथ ही साथ इसका रिक्लाइन भी चेंज हो सकता है। बहुत बढ़िया सीट है। देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको एक ग्लो बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप टूल वगैरह जो है वो रख सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट मिल जाएंगी चढ़ने के लिए, एक फुटरेस्ट अंदर में ही मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो आप अपने पूरी फ्लोरिंग मिलती है कुछ इस तरीके की, ये जो फ्लोरिंग है आफ्टर मार्केट में लगाई गई है। और ये रहा इसका इंजन में एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे हल्का सा बोनट टाइप दिया गया है आपको। तो सबसे पहली बात, गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसका स्टेयरिंग व्हील। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो नया हो गया है, रिवाइज हो गया है। टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील आता है, लेकिन नया वाला स्टेयरिंग व्हील आता है टाटा की तरफ से। ये जो स्टेयरिंग व्हील है, ये जो टाटा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, जिसका टाटा अल्ट्रा T7, ये सारी जो गाड़ियाँ है उसके इंस्पायर होकर जो है इसका स्टेयरिंग व्हील दिया गया। ये रहा इसका इंडिकेटर का कंट्रोल, हेडलाइट का कंट्रोल, और यहाँ पे जो आपको वाइपर रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। ये रहा इसका टैकोमीटर, अभी मैं आपको टैकोमीटर चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल मिलता है, और यहाँ पे जो आपको DEF वाला जो लेवल है वो मिलता है, ऑटो रेटिंग, ट्रिप ए मीटर, और बैटरी वोल्टेज, और टाइम कितना है वो, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए जस्ट आपको मोड की बटन दबाना पड़ेगा। ट्रिप बी, ट्रिप ए कितना घंटा चली वो भी बताता है, और कितना घंटा इंजन चला है वो भी बताता है। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए भी जगह मिल जाती है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत अच्छा यूनिट है टाटा का, जो है बहुत अच्छा लगता है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा लगता है देखने में, रात के टाइम भी बहुत अच्छा दिखता है। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़े से डमी स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डमी स्विचेस मिल जाती है। ये जो है मैनुअल रीजनरेशन ऑन करने की बटन, और जो टाटा की जितनी भी गाड़ी है उनमें जो है एक सेफ्टी फीचर ऐसा रहता है, ये जो है ये कैप ये लगाई रहती है, गलती से कभी ये बटन दबनी नहीं चाहिए करके ये कैप लगाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। मैनुअल रीजनरेशन ऑफ करने की बटन, ये चारों इंडिकेटर ऑन करने की बटन, और यहाँ पे आपको एक ब्लोअर कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, 5-5 वोल्ट के दो चार्जिंग सॉकेट, और ये जो ये ब्लोअर कंट्रोल है, ठीक है, ये वाला तीन ब्लोअर की स्पीड मिलती है। और ये जो साउंड सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, टाटा की तरफ से आने वाला, बहुत सिंपल टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिट है टाटा की तरफ से आने वाला, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, और ठीक उसके नीचे में जो है फ्यूज़ कंपार्टमेंट मिल जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि ये गाड़ी का जो गियर बॉक्स है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आप देख रहे हो कितने हल्के हाथ से गियर लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और साथ ही साथ ये हाइड्रोलिक गाड़ी है, हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी, तो यहाँ पे आपको जो पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से दिया है, कार टाइप का पार्किंग ब्रेक मिलता है, ठीक है। अभी जो है मैंने आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाया, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी, और बहुत ही ज़्यादा जो है इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको हल्की सी रेस करके दिखाता हूँ। टाटा का इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है, स्मूथ इंजन है, बहुत कम वाइब्रेशन है, और बहुत अच्छी गाड़ी है। और ये जो गाड़ी का माइलेज है वो है 10 का, ठीक है। 10 का जो माइलेज है बहुत अच्छा माइलेज है, लोडिंग गाड़ी के साथ आपको 10 का माइलेज मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाड़ी जो है अच्छी है, माइलेज के हिसाब से भी अच्छी है, GVW भी अच्छा है, पेलोड भी अच्छा है, टाटा का प्रोडक्ट है। अगर आप आज भी लेते हो और इसको कल भी बेच देते हो तो इसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, रीसेल वैल्यू भी तगड़ी है, ठीक है। तो यह वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जो भी ये गाड़ी प्लान कर रहा है, या फिर जो भी ये 407 प्लान करने वाला है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।